आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो देखिए, एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको सीबीसी कराने के लिए बोलते हैं, और इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में कई सारी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टेस्ट के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दे सकें। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप इस टेस्ट की रिपोर्ट को खुद से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सीबीसी होता क्या है, और फिर हम जानेंगे कि सीबीसी हमें कब कराना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में या फिर हमारे खून में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। यानी कि हमारा ब्लड प्लाज्मा और सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स तीन होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली सेल्स है इसमें रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी। इन्हें हम आरबीसी कहते हैं, या फिर लाल रुधिर कणिकाएँ भी कहते हैं। दूसरी है इसमें वाइट ब्लड सेल्स, तो इन्हें हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। और तीसरी है इसमें प्लेटलेट्स। तो देखिए, सीबीसी में क्या होता है, सीबीसी की फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। यानी कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या कितनी है, और इनका साइज़ कितना है, यानी कि इनका साइज़ बड़ा है या फिर कम हुआ है। और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं हुई है। तो इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा आरबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर भी पाया जाता है और बाहर भी पाया जाता है, तो उसे भी हम देखते हैं। और उसी के कारण हमारा जो खून होता है वो उसका रंग लाल होता है, तो उसे भी हमें जानना जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम सीबीसी रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट में हम आरबीसी की संख्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, हीमेटोक्रिट देखते हैं, आरबीसी इंडेक्स देखते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल देखते हैं, एंड प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि प्लेटलेट कितनी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम सीबीसी कब कब कराते हैं, या सीबीसी हमें कब कराना चाहिए। तो यदि किसी को लंबे समय से थकान महसूस हो, वीकनेस हो, बुखार हो, या फिर उसका वजन कम हो रहा हो, तो उसे सीबीसी कराना चाहिए। या फिर उसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, इसका मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो यदि किसी में खून की कमी हो जाती है तो उसे सीबीसी कराना होता है। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या और किसी कारण से उसमें खून की कमी हो गई है, तब भी सीबीसी कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, इसका मतलब होता है जो हमारे ब्लड की सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसे देखने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। और किसी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिजीज एज ल्यूकेमिया, तो इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। या फिर यदि किसी की सर्जरी होने वाली होती है तो उससे पहले भी सीबीसी कराया जाता है। तो इन सभी कंडीशन में हमें सीबीसी कराना होता है। देखिए, यहाँ पे हमने सीबीसी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो हमारे ब्लड में सेल्स होती है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, देन लास्ट में हम देखेंगे कि आपको ये कैसे देखना होता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे जो हमारी ब्लड रिपोर्ट आई है उसमें कौन सी कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। हमने अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है, और इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं, और हमारे सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। तो हम आरबीसी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एक लीटर ब्लड में कितनी आरबीसी है। इनकी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, यदि वो ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में कितनी आरबीसी होती है। देखिए, यहाँ पे आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, एक अडल्ट यानी कि एक वयस्क मेल में इसकी वैल्यू 4.6 टू 5.9 मिलियन होती है, जबकि फीमेल्स यानी कि महिलाओं में इसकी वैल्यू 4.2 टू 5.4 मिलियन होती है, और न्यू बॉर्न्स यानी कि नवजात शिशुओं में इसकी संख्या 5.5 टू 6 मिलियन होती है, जबकि छोटे बच्चों में इसकी संख्या 4.6 टू 4.8 मिलियन होती है। तो ये है नॉर्मल वैल्यू। अब हम जान लेते हैं कि जब आरबीसी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जब हमारी बॉडी में आरबीसी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ऐसा कब होता है, यदि हम किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी आरबीसी बढ़ जाती है, या फिर हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारी आरबीसी बढ़ सकती है, या फिर ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो उनकी भी आरबीसी बढ़ सकती है। अब हम जान लेते हैं कि आरबीसी हमारी कब कम होती है। तो यदि हमारी आरबीसी कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया, मीन्स हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, यदि आप रिपोर्ट देखते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पर 4.6 की जगह 4.5 लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। देखिए, इसी के कारण हमारा जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, तो इसकी भी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी नॉर्मल अडल्ट में जो वैल्यू होती है वो 13 to 18 होती है, जबकि महिलाओं में इसकी वैल्यू 12 से 16 ग्राम होती है। नवजात शिशुओं में इसकी संख्या या वैल्यू
17 से 19 ग्राम होती है, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 14 से 17 ग्राम होती है। यदि ये इससे कम हो जाता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देन इसके बाद है हीमेटोक्रिट। तो आपको रिपोर्ट में एससीटी नाम से भी देखने को मिल सकता है। और इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आरबीसी और ये दोनों सेम ही बात है। आपका जो ब्लड लिया जाता है, मान लीजिए आपका ब्लड ये लिया गया है इस प्रखनली में और आपका इतना ब्लड है, तो इस पूरे ब्लड में जो आरबीसी की वैल्यू होती है या फिर आरबीसी की परसेंटेज होती है उसे ही हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। और इसकी भी कुछ नॉर्मल रेंज होती है, जैसे कि अडल्ट में इसकी वैल्यू 45% होती है, यानी कि 100% ब्लड में से 45% हीमेटोक्रिट यानी कि आरबीसी होता है, जबकि फीमेल्स में महिलाओं में इसकी वैल्यू 35% होती है, नवजात शिशुओं में 65% एंड बच्चों में 25% होती है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है या फिर ज़्यादा होने पर कौन सी बीमारी होती है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद है रेड ब्लड सेल इंडेक्स। देखिए जब भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 ग्राम से कम हो जाती है या फिर जो हमारा हीमेटोक्रिट है वो 37% से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति में खून की कमी माना जाता है। अब बात करते हैं हम मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि MCV। तो ये क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है उसका जो साइज़ होता है, तो हम इसमें वो देखते हैं कि हमारा आरबीसी का साइज़ कितना है, कम हुआ है या फिर बढ़ा है। तो यदि हमारा आरबीसी का साइज़ बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक, यानी कि हमें एनीमिया है जो कि विटामिन B12 की कमी से हुआ है और फोलेट की कमी से हुआ है। और यदि हमारा आरबीसी कम हो जाता है तो उसे भी हम एनीमिया कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एनीमिया होता है माइक्रोसिटिक और ये आयरन की कमी से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ यानी कि RDW। देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम आरबीसी की सेप देखते हैं जो कि जनरली कॉनवेक्स सेप होती है, इस तरह की होती है, लेकिन कई कंडीशन में इसकी सेप खराब हो जाती है, जैसे कि पर्निशियस एनीमिया में जो हमारी आरबीसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण उसकी सेप खराब हो जाती है, तो इसके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। हम आरबीसी देख चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की। तो हमारे ब्लड में कितना WBC है ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि WBC या व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में बाहर से रोगाणु आ रहे हैं उनसे ये लड़ते हैं। तो जान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है और किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे है व्हाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोनोफिल एंड बेसोफिल। तो इन सभी के अलग अलग काम होते हैं, तो हम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो देखिए टोटल WBC का 70% होती है और इनका काम होता है बैक्टीरिया से लड़ना, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ना। अब हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कब बढ़ती है और कब घटती है। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। तो जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे आपको न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई मिलेगी तो आप उसे कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। इसके अलावा ये कई कंडीशन में कम भी हो जाती है, यदि हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर ऑटो इम्यून डिसीज होती है तो इनकी संख्या कम हो जाती है, या फिर कीमोथेरेपी के बाद भी इनकी संख्या कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रोपिनिया। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। क्योंकि लिम्फोसाइट जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर एक्यूट का मतलब है ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि हमारी बॉडी में हाल फिलहाल में हुआ हो, तो हमारे लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं और इसके बढ़ने को हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस, या फिर वायरल हेपेटाइटिस में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मोनोसाइट की। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है जैसे कि टीबी, तो हमारी मोनोसाइट बढ़ जाती है, यानी कि लिम्फोसाइट एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि हाल फिलहाल में हुआ हो, जबकि मोनोसाइट ऐसे इन्फेक्शन में बढ़ते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से हो, जैसे कि टीबी, और इसके बढ़ने को हम कहते हैं मोनोसाइटोसिस। तो अब बात करते हैं WBC की फोर्थ सेल इसनोफिल। देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, अस्थमा या फिर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हमारा इसनोफिल बढ़ जाता है। तो जब भी किसी को एलर्जी होगी तो उसका इसनोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। और लास्ट है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है वो हमारे बोन मैरो से संबंधित है। जब भी हमारे बोन मैरो से संबंधित कोई बीमारी होती है तो हमारा बेसोफिल बढ़ जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। तो यहाँ पर हमारा WBC भी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आखिरी सेल बची हैं प्लेटलेट्स। तो इनका काम क्या होता है, देखिए ये ब्लड को जमाने में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी के कट लग जाता है तो उसका खून बहने लगता है, लेकिन वो कुछ देर बाद जम जाता है, तो वो इसी के कारण होता है, यानी कि प्लेटलेट्स खून को जमाने में हेल्प करती हैं। यदि ये कम हो जाएंगी तो खून नहीं जम पाएगा और लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। इनकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 4 लाख होती है, तो ये कुछ कंडीशन में कम हो जाती है और कुछ कंडीशन में बढ़ जाती है, तो वही हम जान लेते हैं। और देखिए जब भी आप CBC कराएंगे तो आपको ब्लड की सेल्स में थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है जो कि नॉर्मल है, आपको ऐसी कंडीशन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको बहुत चेंज देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे ली है जब आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो ये सभी है क्रिटिकल लेवल ऑफ CBC। नंबर 1 है यहाँ पर, यदि किसी का हीमोग्लोबिन 5 से कम हो जाता है या फिर 20 से ज़्यादा हो जाता है
तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अलावा हीमेटोक्रिट यदि 15 से कम हो जाता है या फिर 60 से ज़्यादा हो जाता है तो ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। WBC की वैल्यू यदि 500 से कम हो जाती है या फिर 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो ये भी डेंजरस कंडीशन होती है। एंड लास्ट है यहाँ पे प्लेटलेट्स, यदि इसकी वैल्यू 50,000 से कम हो जाती है या फिर 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। और देखिए आखिरी में हमने आपको यहाँ पर जो ब्लड की सेल्स होती हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं वो भी दे दी है, आपको इन्हें भी एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर दो तरह की यूनिट दी हुई है, कन्वेंशनल एंड SI यूनिट, लेकिन आपको केवल कन्वेंशनल को ही कंसीडर करना है क्योंकि आपको रिपोर्ट पर यही यूनिट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर RBC, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट, MCV, MCH, MCHC, WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसनोफिल, बेसोफिल एंड प्लेटलेट, सभी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे भी इस तरह की कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।